तो पार्ट टू की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब कैप्टन तो मीका से घर चले जाने के लिए कह देता है, जिस वजह से मीका थोड़ी अपसेट होती है, मगर वो अभी भी यहाँ से हार मानकर जाने वाली नहीं थी, इसलिए वो कैप्टन शिंग के वापस आने का इंतजार कर रही थी। तभी कैप्टन से मिलने के लिए पहाड़ के ऊपर के गाँव से एक ओल्ड मैन आया था, जो कैप्टन का शुक्रिया अदा करना चाहता था क्योंकि कैप्टन ने उनकी जान बचाई थी। इसीलिए वो कैप्टन के लिए बादाम लेकर आए थे, मगर बाहर किसी का भी सामान अंदर ले जाना मना था, इसीलिए गार्ड उन्हें रोक देता है। मीका रुआन वो पोटली रख लेती है और कैप्टन के हाथी उन्हें दे देगी कहती है। अब उस ओल्ड मैन की तबीयत ठीक नहीं थी तो मीका उन्हें उनके घर तक छोड़ने के लिए चली जाती है, मगर काफी रात हो चुकी थी और बारिश भी गिरने लगी थी, पर मीका अभी तक वापस नहीं लौटी थी, इसलिए रुआन गेट के बाहर ही उसका वेट कर रही थी। वहीं इधर कैप्टन को भी लगता है कि शायद उसे मीका के साथ इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड की जान बचाने के लिए यहाँ से भागी थी। इसलिए वो मीका को ढूंढते हुए बाहर आ जाते हैं, जहाँ गेट पर उसे रुआन मिलती है तो रुआन उसे सब कुछ बता देती है। वहीं इधर हम मीका को देखते हैं जो आते हुए अपना रास्ता भूल गई थी, इसीलिए वो पहाड़ी जंगल में फंस जाती है, जहाँ पर अच्छे से दिखाई ना देने की वजह से वो गिर भी जाती है। अब वो तो काफी डर गई थी क्योंकि ना ही उसे रास्ता मिल रहा था, ना ही उसे आसपास कोई दिखाई दे रहा था, ऊपर से उसके पैर पर चोट भी लग गई थी। लेकिन तभी वहाँ कैप्टन उसे ढूंढता हुआ पहुँच जाता है, लेकिन मीका के पैर में चोट लगने की वजह से वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो कैप्टन उसे पिगीबैक राइड देते हुए मेडिकल रूम ले आता है, जहाँ पर मीका खुद ही अपना मरहम पट्टी कर लेती है, जिसके बाद वो कैप्टन से पूछती है कि दोबारा से बाहर जाने के लिए क्या वो उसे घर भेज देगा। इस पर कैप्टन तो उसे पहले सुनाता है कि उसे पहले पता कर लेना चाहिए था कि पहाड़ी के ऊपर जाने आने वाली बस 5 बजे के बाद नहीं चलती, तो अगर वो सही टाइम पर वहाँ नहीं पहुँचता फिर उसकी क्या हालत हुई होती। जिस पर मीका कहती कि आप तो मुझे पनिश करने ही वाले हो, इसलिए आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैप्टन तो उसके फ्रेंड की हेल्थ के बारे में पूछता है, जिसके बारे में रुआन ने कैप्टन को बता दिया था, तो इसी वजह से कैप्टन उसे ट्रेनिंग से नहीं निकालता बल्कि एक दिन उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। सुन मीका तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, तो वो उसे पूछती है क्या इसका मतलब मैं यहाँ ट्रेनिंग कर सकती हूँ। जिस पर कैप्टन कहता है कि तुम यहाँ प्रैक्टिस तो कर सकती हो, पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दूंगा, जिसके बाद उसे जूस का पैकेट देकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। वहीं इधर वेनबो और रुआन में बहस छिड़ जाती है क्योंकि रुआन बताए हुए टाइम पर नहीं आई थी, जिस पर रुआन बताती है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था, जिसके बारे में उसने तो उसे मैसेज भी कर दिया था, मगर वेनबो कहता है कि यहाँ पर सब कुछ टाइम से होता है। इस पर रुआन कहती है कि ठीक है फिर कल शूट कर लेंगे, लेकिन वेनबो उसे रोकते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मीडिया पर्सन होने के पावर का मिसयूज कर रही हो, तुमने हमारे सीनियर कैप्टन हाउ से कहकर अपने फ्रेंड मीका को यहाँ ट्रेनिंग करने देने के लिए कहा और उनके प्रेशर की वजह से कैप्टन शिंग को भी ऐसा करना पड़ा, मगर रुआन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसीलिए वो भी उस पर चिल्लाकर चली जाती है। अब वेनबो ने इसके बारे में बिना जाने ही कह दिया था क्योंकि उसे पता था कि कैप्टन शिंग डिसिप्लिन तोड़ने वाले को कभी माफ नहीं करते, तो जरूर उन्हें सीनियर कैप्टन ने ही कहा होगा। तभी कैप्टन शिंग ने मीका को यहाँ ट्रेन करने की परमिशन दी, मगर कैप्टन शिंग से उसे पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, उसने खुद ही मीका को ट्रेनिंग करने की परमिशन दी, जो सुनकर वो भागता हुआ रुआन के पास पहुँचता है और उसकी शूटिंग कम्प्लीट करने में उसकी हेल्प करता है, मगर रुआन उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए उसे बार बार परफेक्ट शॉट के बहाने बिल्डिंग से नीचे कूदने के लिए कहती है, पर इसकी वजह से वेनबो के हाथों की इंजरी थोड़ी बढ़ जाती है, जिसके बारे में पता चलने पर रुआन को बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे रोक देती है। तो शूट के बाद वेनबो रुआन से रूडली बात करने के लिए माफी मांगता है और अगली बार से टाइम पर मिलने का कहकर चला जाता है, तो रुआन भी उसे देखकर स्माइल करती है, जिसके बाद रुआन के लिए एक पार्सल आया हुआ होता है, तो वो मीका के साथ उसे रिसीव करने जाती है, जिसमें था उसका इम्पोर्टेड मेकअप बॉक्स का डुप्लीकेट, जो वेनबो ने उसके लिए पास के शॉप से खरीदा था। लेकिन रुआन तो वेनबो के भोलेपन से थोड़ा थोड़ा इम्प्रेस होने लगी थी। तो अब अगले दिन सभी को सुबह सुबह रेस्क्यू मिशन ट्रेनिंग पर ले जाया जाता है, जहाँ सभी को 5 टीम में डिवाइड कर दिया गया था और हर टीम के साथ साथ एक ऑफिसर भी गया था, तो मीका की टीम के साथ कैप्टन गया हुआ था। जो भी टीम अपने पेशेंट को सबसे पहले सेफली उसके टीम को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और उस टाइम के हिसाब से ही टीम्स की रैंकिंग भी होगी। तो वो सारे अपने ट्रेनिंग साइट पर पहुंचते हैं। अब मीका की टीम अपने पेशेंट को रेस्क्यू कर रही थी कि तभी उन्हें वॉकी टॉकी पर टीम 2 से मैसेज आता है, जिसमें उन्हें एक पेशेंट को बचाने के लिए एक रस्सी की जरूरत पड़ती है। तो टीम 2 की पेशेंट की हालत ज्यादा खराब थी, वहीं मीका की टीम के पेशेंट को ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए वो अपने टीम की रस्सी टीम 2 को देने के लिए जाती है क्योंकि ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट की जान पहले बचानी होती है। इसी चक्कर में मीका की टीम सबसे आखिर में आती है, मगर उनकी टीम को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और आज की इस ट्रेनिंग की बेस्ट टीम होती है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा इक्विपमेंट्स प्रॉपर्ली चेक करके फिर रेस्क्यू करने गए थे और सही टाइम पर किस पेशेंट की जान पहले बचानी चाहिए उस डिसीजन को अच्छे से लेने के लिए। मगर वो मीका से इनडायरेक्टली रैपलिंग सीखने के लिए कहते हैं, यानी कि रस्सियों के प्रॉपर यूज करने के लिए। तो मीका इसके बारे में सोचने लग जाती है कि वो रस्सियों के यूज के बारे में किससे सीखे। तभी उसके ध्यान में सोल्जर ली आता है, तो वो उससे रैपलिंग सीखने के लिए अप्रोच करती है, जहाँ पर सोल्जर ली उसे रैपलिंग के बेसिक से सिखाने लग जाता है। वहीं कैप्टन शिंग भी
को रैपलिंग सिखाने के लिए उसके रूम के बाहर आते हैं, लेकिन मीका की फ्रेंड उसे बताती कि वो तो थोड़ी देर पहले ही ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर। तो कैप्टन शिंग उसे ढूंढते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर पहुंचता है, जहां पर सोल्जर ली के साथ उसे ट्रेन करता हुआ देखकर कैप्टन वहां से चला जाता है। जिसके बाद कैंटीन में मीका सोल्जर ली के लिए स्पेशल डिश लेकर आती है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, जो ठीक उसी के पीछे बैठा हुआ कैप्टन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब मीका तो सोल्जर ली के साथ बहुत सारी बातें करने लग जाती है, जिससे कैप्टन अब तो थोड़ा जेलस भी होने लगा था, जिस वजह से वो खाना छोड़कर भी वहां से चला जाता है और अपनी जेलसी मिटाने के लिए सोल्जर ली के साथ बॉक्सिंग मैच करता है, जिसमें कैप्टन उसकी बैंड बजा देता है। इधर रुआन वेनबो की इंजरी के लिए ऑइंटमेंट लेकर आई थी, जिसे वेनबो तो साफ लेने के लिए मना कर देता है, क्योंकि बाहर से किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना उनके रूल्स के खिलाफ है। मगर रुआन तो उसके पीछे ही पड़ जाती है उसे ऑइंटमेंट देने के लिए, मगर वेनबो आखिरकार उसे नहीं लेता और आधे घंटे बाद शूटिंग के लिए मिलने के लिए कहता है। तो कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर आते हैं, जहाँ पर रुआन अपनी कुछ सेल्फीज ले रही थी तो वेनबो उसकी बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर देता है, जिसके बाद वेनबो उसे उनका फील्ड ट्रेनिंग दिखाने ले जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के कुछ देर बाद रुआन को नेचर्स कॉल आ जाती है, जिसके बारे में वो वेनबो के इशारों में बताती है। वेनबो उसे कुछ दूर झाड़ियों के पीछे जाने के लिए कह देता है, लेकिन रुआन उसे काफी इशारों में समझाने लग जाती है कि उसे नंबर 2 जाना है, जो आखिरकार वेनबो समझ लेता है। तो वो अपनी जीप निकालकर फुल स्पीड से बेस की ओर लौट जाता है, लेकिन जीप से हड़बड़ी में उतरने के चक्कर में रुआन की ड्रेस जीप के डोर में फंस जाती है, जिससे उसकी शर्ट थोड़ी सी फट जाती है। तो वेनबो अपनी कार से उसकी ड्रेस निकालने की कोशिश करने लगता है, मगर रुआन को कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी थी, इसीलिए जल्दी करने के चक्कर में उसकी शर्ट पूरी तरह से पीछे से फट जाती है, जो देखकर वेनबो जल्दी से अपना फेस दूसरी ओर कर लेता है। तो रुआन उसे कहती की अभी शर्माने का टाइम नहीं है, तुम अपनी टी शर्ट उतारो। ये कहकर वो उसकी टी शर्ट लेकर अपना काम करके आ जाती है, जहाँ वो मिरर से वेनबो को देखकर स्माइल करती है। फिर वो जीप में आकर बैठती है, जहाँ वेनबो उसे देखकर कहता है कि तुम थोड़ी बदली बदली लग रही हो, जो सुन रुआन तो अपना फेस ढकने लग जाती है और पूछती है कि क्या वो अगली लग रही है। इस पर वेनबो कहता है कि नहीं, तो मेरा मतलब था कि तुम नेचुरली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, जो सुनकर हमारी रुआन तो ब्लश करने ही लग जाती है। इधर आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन था, जहाँ पर सभी को 27 मीटर लंबी बिल्डिंग से नीचे आना होता है रस्सियों की मदद से, पर हमारी मीका को हाइट फोबिया है, पर फिर भी वो इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है। मगर वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी, पर फिर भी वो रस्सियों को पकड़ते हुए नीचे आ रही थी, मगर आधे रास्ते में ही डर की वजह से वो बेहोश हो जाती है, जिस वजह से रस्सी उसके हाथों से छूट जाती है। मगर उसके कमर में रस्सी बंधी हुई होने की वजह से उसे सेफली नीचे उतारा जाता है, जिसके बाद मीका की फ्रेंड कैप्टन को बता देती है कि उसे हाइट से डर लगता है, और इसी फियर ऑफ हाइट्स की वजह से कैप्टन शिंग को मीका को फेल कराना पड़ता है, जिसे अगले दिन मीका एक्सेप्ट भी कर लेती है। लेकिन मीका के कलीग्स उसे डिफेंड करते हुए कहने लगते हैं कि बाकी हर टेस्ट में मीका को सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स मिले हैं, इसीलिए उसे भी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। इस पर कैप्टन शिंग बताते हैं कि नो डाउट मीका एक अच्छी डॉक्टर है, पर उसके फियर ऑफ हाइट्स की वजह से वो एक इमरजेंसी रेस्क्यूअर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं है। तो मीका भी इसे एक्सेप्ट कर ही लेती है, पर इस वजह से वो थोड़ी अपसेट होती है। तो कैप्टन शिंग उससे बात करने आता है, तो मीका कहती कि वो फेल हो गई। इस बात का उसे ज्यादा दुख नहीं है, क्योंकि सिर्फ कैप्टन ही नहीं है जिसने उसे फेल किया है, बल्कि आज एक डॉक्टर बनने तक वो काफी बार फेल हो चुकी है। देन वो उसके साथ 2 साल पहले वाले अपने साथ हुए उस खतरनाक इंसिडेंट के बारे में बताती है, जब उसे स्पेशल पुलिसमैन अंकल ने बचाया था। अब यह अंकल सुनकर कैप्टन शिंग तो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो अंकल था, मतलब वो क्या इतना ज्यादा एजेड था। जो सुन मीका कहती कि वो ज्यादा यंग तो नहीं होंगे, क्योंकि वो इतने डेंजरस सिचुएशन में भी बहुत ही ज्यादा काम एंड कूल थे, इसीलिए वो तो जरूर एक एक्सपीरियंस्ड स्पेशल सोल्जर ही थे, मगर वो काफी हैंडसम थे। जो सुन कैप्टन पूछता है कि तुमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी, फिर तुम ये कैसे कह सकती हो, क्योंकि स्पेशल सोल्जर्स का फेस तो ढका हुआ होता है। इस पर मीका कहती कि मैंने उनकी आंखों में देखकर उनके हैंडसमनेस को फील किया। जो सुन कैप्टन तो ब्लश करता हुआ हंसने ही लग जाता है, पर मीका कहती कि अगर आपने ये यूनिफॉर्म नहीं पहना होता तो आप किसी भी एंगल से एक स्पेशल सोल्जर नहीं लगते, क्योंकि आपके इस बेबी फेस को देख लीजिए, और तो और आप तो बहुत ज्यादा चिकने हो। जो सुन कैप्टन तो थोड़ा ऑकवर्डनेस के साथ कहता है, मेरा चेहरा बेबी फेस और मैं किस एंगल से चिकना लगता हूँ। कहकर वो अपनी स्लिप्स उठाकर उसे अपने हाथों का रंग दिखाने लग जाता है, मगर मीका तो फुल उसकी मस्ती करने लग जाती है। इसके बाद शाम को सर्टिफिकेट मिलने की खुशी में पार्टी होती है, जहाँ पर सभी लड़कियाँ तो कैप्टन चिंग के साथ फोटोज क्लिक कराती है। तो दूसरी ओर रुआन वेनबो की टी शर्ट पहनकर यहाँ पर आ जाती है, जो देखकर मीका थोड़ी हैरान होती है। तो अब इससे रुआन को मानना ही पड़ता है कि उसे वेनबो पसंद आ गया है, जिसके बाद तो उसकी निगाहें वेनबो को ही ढूंढ रही होती है, पर वेनबो तो उसे भाग नहीं लगा था, क्योंकि काफी टाइम से रुआन उसके पीछे ही पड़ी थी। पर कैप्टन शिंग उसे उसके पास ले आता है, जहाँ पर चारों बैठे हुए होते हैं। तो वेनबो उसे अपने शर्ट के बारे में पूछता है, जिस पर रुआन तो उसे टी शर्ट वापस ना करने के बहाने लगाने लग जाती है, मगर वो जिस तरह से उसे देख कर बात कर रही थी, हमारा वेनबो तो कुछ ज्यादा ही शर्मा रहा था। वहीं कैप्टन शिंग भी मीका को ही देखने की कोशिश करते हैं, मगर वेनबो बार बार उसके सामने आ जाता है। तभी सभी को स्टेज के सामने बुलाया जाता है, जहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कैप्टन ने हमें बहुत ज्यादा पनिश किया है, पर आज ट्रेनिंग कम्प्लीशन की खुशी में हम सारे कैप्टन को पनिश करेंगे। ये कहकर वो कैप्टन के हाथों में एक हार्ट बीट मेजर करने वाला ब्रेसलेट पहना देता है, जिसके बाद कैप्टन के लिए टास्क बताता है कि अगर उन्होंने कैप्टन का हार्ट बीट 100 से ऊपर कर दिया तो कैप्टन को पनिशमेंट मिलेगी, जिसके लिए पहले तो उससे बहुत सारे पुशअप्स मरवाए जाते हैं, मगर इतने सारे पुशअप्स मारने के बाद भी कैप्टन का हार्ट बीट 80 से ऊपर नहीं जाता। तो रुआन मीका से ब्यूटी ट्रैप यूज करने के लिए कहती है और उसे आगे
कर दी थी आई ब्लिंकिंग टेस्ट के लिए, जिसमें एक दूसरे की आंखों में देखना होता है और पहले जो भी पलक झपकाएगा वो हार जाएगा। तो दोनों की आंखों में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाती है। अब मीका की आंखों में देखने के बाद कैप्टन की हार्ट बीट धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब ये देखकर रुआन मीका को पीछे से धक्का मार देती है, जिससे वो कैप्टन की बाहों में चली आती है, जिससे हमारी कैप्टन सिंह का हार्ट बीट तो 125 से ऊपर हो जाता है। जिसके बाद तो सारे लोग कैप्टन सिंह को चिढ़ाने ही लग जाते हैं कि हमारी मीका के सामने कैप्टन जैसे सख्त लौंडे का भी दिल पिघल गया। तो इसी के साथ पार्ट 2 का एंड यहीं पर होता है। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि सुपर इंटरेस्टिंग लव स्टोरी की अगली पार्ट आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।